अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो भी हमने जल्दी से रिवाइज कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा करते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, जो फाइन लाइंस हैं, नेफ्रॉन क्या है? इट्स द फंक्शनल यूनिट एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक इसका क्या होता है, वन इज द रेनल कॉर्पसल्स या इसको मैलफेगियन कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। इसमें फर्दर बेटा देयर आर द टू पार्ट्स, वन इज द ग्लोमेरुलस एंड अदर इज द बोमेंस कैप्सूल। इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज द रेनल टिब्यूल, दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और इसके थ्री पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, यू शेप लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, ये मैं ज्यादा क्लियर होंगे, मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। अच्छा, ये जो है बेटा, ये जो हमें फाइन लाइन्स नजर आ रही है ना इसके अंदर, ये वाली, ठीक है, जो फाइन लाइंस हैं, ये लाइंस जो हैं, दीज आर लाइक दिस, ये वाली होती है बेसिकली। ठीक है, इनको एनलार्ज करके ड्रॉ किया हुआ है, विच इज द नेफ्रॉन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में बेटा क्या होता है, नेफ्रॉन में ये जो हमें कैपिलरीज नजर आ रही है, कैन यू सी इन साइड दिस स्ट्रक्चर देर आर सम ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं इनको हम बोलते हैं दीज आर द ग्लोमेरुलाई इज द प्लूरल एंड ग्लोमेरुलस, दीज फाइन ब्लड वेसल्स, दीज आर द ग्लोमेरुलस और प्लूरल इज द ग्लोमेरुलाई। ठीक है, ग्लोमेरुलाई आर द ब्लड कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज द ग्लोमेरुलाई। दिस नेटवर्क ओपन्स इनटू अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ये जो ओवरऑल हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर यू कैन सी द ब्लड कैपिलरीज, दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज द बोमेंस कैप्सूल, दिस इज द बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, कप शेप स्ट्रक्चर इज द बोमेंस कैप्सूल और इसके अंदर जो हमें ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, दीज ब्लड वेसल्स आर द ग्लोमेरुलाई एंड दिस बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलाई आर कलेक्टिवली नोन एज द रेनल कॉर्पसल्स और मैलफीगियन कॉर्पसल्स। इन दोनों को कलेक्टिवली हम रेनल कॉर्पसल्स और मैलफीगियन कॉर्पसल्स बोलते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इसके बाद बेटा मैं आपको इसका फंक्शन बता दूंगी। अच्छा, इसके बाद आप देखें बेटा, ये जो बोमेंस कैप्सूल है, दिस एंड्स इनटू अ कॉइल्ड ट्यूब, कैन यू सी हियर, दिस इज द कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये जो हमें कॉइल्ड ट्यूब नजर आ रही है, दिस कॉइल्ड ट्यूब इज नोन एज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, दिस कॉइल्ड ट्यूब, दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड मीन्स इसके अंदर हमें कन्वल्शंस या फोल्डिंग्स नजर आ रही है। प्रॉक्सिमल इज दैट पार्ट विच इज क्लोजर टू एनीथिंग, सो वी आर स्टार्टिंग इट स्ट्रक्चर फ्रॉम द रेनल कॉर्पसल, सो दिस पार्ट और दिस कॉइल्ड ट्यूब इज क्लोजर टू द रेनल कॉर्पसल, सो दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड होती है बेटा, इट एंड्स इनटू अ U shaped structure. Can you see this U shaped tube? This is forming a U. ये U shape जो है, this is known as the loop of Henle or U shaped tubule. This U shaped is the loop of Henle. Right? First जो हमने किया है, that was a renal corpuscle जिसमें Bowman's capsule and glomeruli थे. It opens into a proximal convoluted tubule which is the coiled tube and this opens into a another U shaped tube which is the loop of Henle, right? Acha, ye jo beta loop of Henle hai, this will now open into an other coiled tube. Yahan par dekhen, this is again the coiled tube and this coiled tube is known as, this one is the distal convoluted tubule, this is the distal convoluted tubule. ठीक है, फर्स्ट वन वॉज द प्रॉक्सिमल, देन इट एंड्स
or it is continued into another U-shaped loop of Henle, and this loop of Henle then continued into another coiled tube which was the distal convoluted tubule. अब आप देखें, ठीक है, अच्छा ये जो बेटा थ्री पार्ट्स हैं, दिस लूप ऑफ Henle, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज द रेनल ट्यूब्यूल्स. These are the tubular structures and these are known as the renal tubules. ठीक है, इनको collectively हम ये बोलते हैं. अच्छा इसके बाद जो बेटा distal tubule है, this one, ठीक है, ये जो है ये end होती है into another structure, tube like structure, this one, this is known as the collecting duct. This is the collecting duct. ठीक है, अच्छा ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये बेटा नीचे जाके दिस वन दिस ओपन्स इनटू रेनल पेल्विस. पेल्विस अभी हमने ऊपर क्या देखा था, दिस वाज द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर बाकी नेफ्रॉन्स ओपन हो रहे थे. सो ये जो है दिस इज द रेनल पेल्विस, ये हमने एक नेफ्रॉन देखा है. ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल इज दैट पार्ट विच इज अवे. अगर आप इसको जो है रेनल कॉर्पसल से देखें तो दिस पार्ट इज अवे, और ये वाला जो प्रॉक्सिमल पार्ट है दिस इज क्लोजर टू द रेनल कॉर्पसल्स. ठीक है, दिस इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस विल ओपन इनटू अनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज अ कलेक्टिंग डक्ट. और कलेक्टिंग डक्ट में ये जो बेटा ओपनिंग्स हैं दीज आर फॉर डिफरेंट नेफ्रॉन्स. ठीक है, यहाँ से एक नेफ्रॉन ओपन हो रहा है, यहाँ से अनदर नेफ्रॉन इज ओपनिंग इनटू दिस, ये जो ब्रांचेज हैं यहाँ से डिफरेंट नेफ्रॉन्स आर ओपनिंग इनटू दिस. ठीक है, अच्छा ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये इन द एंड किस में ओपन हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे इनटू रेनल पेल्विस. राइट, चले यहाँ पे हम इसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं ये वाला. ठीक है, ये जो नेफ्रॉन है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है इसको हमने देख लिया है. इन द एंड ये बेटा किस में ओपन हो रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये जो ग्रीन विच इज द फनल शेप्ड रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस में ये ओपन हो रहे हैं. आफ्टर रेनल पेल्विस दे विल एंटर इनटू द यूरेटर. राइट, यहां तक कोई इश्यू? ठीक है, दिस इज एन अदर डायग्राम, दिस इज एन अदर डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन, बट दैट वाज ऑलमोस्ट सफिशियंट. अच्छा अब एक और चीज भी बेटा मैं आपको बताती हूँ, इन डायग्राम्स हम देखेंगे. अभी जैसे मैंने आपको बताया था जो अपर पार्ट है, आउटर पार्ट है, दिस इज द रेनल कॉर्टेक्स, दिस वन. ठीक है, दिस इज द रेनल कॉर्टेक्स, और इसका जो नीचे पार्ट है दिस इज द रेनल मेड्यूला, दिस इज द रेनल मेड्यूला. अच्छा जो बेटा नेफ्रॉन है इसका जो ऑलमोस्ट हाफ पार्ट होता है दैट इज इनटू द रेनल कॉर्टेक्स. कैन यू सी हियर दे हैव मेंशन द कॉर्टेक्स हियर. ठीक है, ये हमें कॉर्टेक्स नजर आ रहा है, आप ये वाला देखें, दिस इज द रेनल कॉर्टेक्स हेयर. ठीक है, आउटर पार्ट डार्क रेड कलर ऑफ द किडनी, मैंने आपको बताया था दिस इज द कॉर्टेक्स. तो ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का बेटा बॉमेंस कैप्सूल, राइट, बॉमेंस कैप्सूल के अलावा ये जो ग्लोमेरुलस है दिस वन, ठीक है, और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और इसी तरह डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है दीज पार्ट आर इन टू द रेनल कॉर्टेक्स. राइट, अच्छा इसके नीचे जो ये यू शेप्ड लूप ऑफ Henle है दिस इज इनटू द रेनल मेड्यूला. ये यू शेप जो है यू विल फाइंड इट इनटू द रेनल मेड्यूला, और इसके अलावा जो ये मैंने पार्ट्स बताए हैं दीज आर इनटू द रेनल कॉर्टेक्स. आप डायग्राम्स में देखेंगे इन बुक बेटा, वहां पर जो है देयर इज अ लाइन ड्रॉन. ठीक है, तो ये लाइन क्या शो कर रही होती है, अपर पार्ट कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला को शो कर रही होती है. हेयर आई हैव हाईलाइटेड विद डिफरेंट कलर्स, बट इन बुक्स यू विल सी अ लाइन हेयर. ठीक है, मे बी जो है कॉर्टेक्स थोड़ा डार्क रेड हो और जो मेड्यूला हो थोड़ा सा लाइट रेड हो, अदरवाइज जो है इफ इट्स ब्लैक एंड व्हाइट तो लाइन जो है इट विल सेपरेट द कॉर्टेक्स एंड द मेड्यूला. ठीक है, अच्छा इसमें जो है देयर आर आल्सो सम अदर स्ट्रक्चर्स, वो भी हम देख लेते हैं. अच्छा ये जो है बेटा जहां से फ्लूइड जो है इट इज मूविंग डाउनवर्ड, दिस डाउनवर्ड एरो, दिस इज द डिसेंडिंग लिंब ऑफ Henle. ठीक है, लूप ऑफ Henle, दिस इज द डिसेंडिंग एज द लिक्विड एंड दिस इज मूविंग डाउनवर्ड. तो डाउनवर्ड जो है दिस इज यूज फॉर डिसेंडिंग, और इस साइड पर आप देखें एज द लिक्विड इज मूविंग अपवर्ड, दिस वन. ठीक है, सो दिस इज द असेंडिंग लूप ऑफ Henle. जहां से नीचे आ रहा है लिक्विड दिस इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ Henle, और यहां से जहां से ऊपर मूव कर रहा है दिस इज द असेंडिंग लूप ऑफ Henle. ठीक है, अच्छा और यहाँ पर जो है मैं आपको दो और भी बातें बता देती हूँ.
अच्छा यहाँ पर बेटा देखिए, दिस इज द एफिरेंट आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल ठीक है, एंड दिस इज द एफिरेंट आर्ट्रियोल. आर्टरीज आर एक्चुअली कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट इनटू द किडनी. दिस ब्लड हैज द वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू दिस. अच्छा इसमें बेटा देखिए आर्टरीज एंटर होती हैं, ठीक है. आर्टरियोल्स आर आर्टरीज डिवाइड टू फॉर्म द आर्टरियोल्स. वी हैव स्टडीड इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. आर्टरियोल्स हैव द स्मॉलर डायमीटर एंड देन दे फॉर्म द कैपिलरीज व्हिच आर नोन एज अ ग्लोमेरुलाई. और कैपिलरीज अभी भी जो है दे हैव नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू वेन्स. अभी भी वेन्स नहीं है, अभी भी क्या है, दे आर स्टिल कैपिलरीज. तो दिस आप यहाँ पर देखें, दिस इज द एफिरेंट आर्टरी स्टार्टिंग फ्रॉम ई. अच्छा द वन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए इसको भी हम एफिरेंट पढ़ते हैं, एंड द वन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ई इसको भी हम एफिरेंट ही पढ़ते हैं, ठीक है. बोथ आर प्रोनंसिएटेड सेम. अब इनमें डिफरेंस क्या है, एफी बेटा वो होता है विच इज कैरिंग ब्लड टू वर्ड्स ऑर्गन्स. इसका मतलब होता है टू वर्ड्स. तो एफी जो है बेटा दिस इज कैरिंग ब्लड टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलाई. अच्छा और जो ई है इसका मतलब होता है अवे. एंड दिस एफिरेंट आर्ट्रियोल दिस इज कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलाई. ओवरऑल आपने देखना है, ठीक है. इसमें जो है एफी ए द वन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए इट मीन्स दैट इट इज कैरिंग ब्लड टूवर्ड्स ऑर्गेन, एंड द वन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ई इट मीन्स दैट इट इज कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गेन. अच्छा ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट. और कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर क्या बना लेंगी, दे विल फॉर्म द रेनल पेल्विस. और यहाँ से जो है आगे कहाँ जाएगा, फ्लूइड और लिक्विड इट विल एंटर इनटू द रेनल पेल्विस, देन इट विल एंटर इनटू द यूरेटर. अच्छा यहाँ पे बेटा जल्दी से मैं आपको फंक्शन बता देती हूँ, एज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. अच्छा इसमें जो है बेटा क्या होता है, ब्लड जो है फंक्शंस अच्छा इसको चले फंक्शंस हम ट्राई कर लेते हैं कि आज हमारा कंप्लीट हो जाए. अच्छा बेटा ब्लड जो है विद हाई प्रेशर, एज देयर इज हाई प्रेशर इन द कैपिलरीज, तो वो जो है ग्लोमेरुलाई आर द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, दे विल हैव हाई ब्लड प्रेशर. और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो एंटर होगा इनटू दिस ग्लोमेरुलाई, इनटू दिस कैपिलरीज. अच्छा बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर की वजह से, आई एम सेइंग बाय द प्रेशर जो है सम मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड आउट ऑफ द कैपिलरीज. कौन सी चीजें हैं विच आर फोर्स्ड आउट ऑफ द कैपिलरीज, उसमें वाटर बेटा बाहर आ जाता है, ठीक है, सॉल्ट्स बाहर आ जाते हैं, और नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं ये भी बाहर आ जाते हैं, ग्लूकोज भी बाहर आ जाता है. नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स में जो आपने इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है फॉर योर सिलेबस, यूरिया इज सफिशियंट, यूरिया को आपने याद रखना है. अच्छा जब ये ब्लड इसमें आ रहा होगा इनटू द ग्लोमेरुलस, ठीक है, यहाँ से कैपिलरीज विल हैव हाई प्रेशर, ठीक है. हाई प्रेशर की वजह से यहाँ से बेटा जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी फोर्स्ड आउट बाय द प्रेशर. प्रेशर की वजह से यहाँ से ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट्स एंड यूरिया एंड सम नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रेशर की वजह से बाहर आ जाएंगे, एंड दे विल बी कलेक्टेड इनटू दिस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर विच इज ग्रीन हेयर. यहाँ पर ये चार मटेरियल इकट्ठे हो जाएंगे बिकॉज ऑफ प्रेशर. अच्छा अब ये प्रेशर में से, प्रेशर की वजह से बाहर आए थे, दे विल स्टार्ट मूविंग इनटू दिस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इन ट्यूब्स में से ये मटेरियल पास करने स्टार्ट हो जाएंगे. अच्छा यहाँ से ये पास करेंगे, और पास करने के बाद ये प्रॉक्सिमल के बाद दे विल एंटर इनटू द यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले, राइट. लूप ऑफ हेनले के बाद देन दे विल एंटर इनटू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल के बाद देन दे विल एंटर इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, और इन द एंड बेटा ये कहां पर चले जाएंगे, इनटू रेनल पेल्विस चले जाएंगे, ठीक है. अच्छा अब यहां से जो मटेरियल फिल्टर होकर आया है इनटू द बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, नीचे लिक्विड की फॉर्म में है, इट कंटेन्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम इस मटेरियल को बोलते हैं दिस इज द ग्लोमी. अच्छा दिस इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, आई एम नॉट रिटन हियर, जो नीचे मटेरियल आया है उसको हम बोलते हैं दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट उसको बोलते हैं, ठीक है. अब ये जो फिल्ट्रेट है बेटा ये ट्यूब्स में से आगे पास करेगा. अच्छा अब आप देखें कि ये जो बेटा यहाँ से मटेरियल आया था दैट केम आउट बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर इनटू द कैपिलरीज, और अगर इसी तरह मटेरियल जो है वो बाहर आता रहेगा तो देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड,
ठीक है, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, सॉल्ट्स की भी हो सकती है, इसी तरह जो है ग्लूकोज की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, व्हेन इट इज मूविंग थ्रू दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, तो दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर आल्सो लाइंड बाय द कैपिलरीज एंड आर्टरीज। इसके अराउंड भी क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, देन विनियोल्स, वेन्स होती हैं। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर आल्सो लाइंड बाय द कैपिलरीज अराउंड। अब क्या होता है कि जब ये फिल्ट्रेट यहां से पास करता है तो इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं दे आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, ताकि ब्लड में उसकी डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है, तो ये जैसे ट्यूब में से पास करता जाएगा यहां से जो मटेरियल्स हैं दे विल बी रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। वो रीअब्सॉर्ब होके कहां जाती जाएंगी, दे विल बी मूव्ड बैक इनटू द ब्लड, ताकि ब्लड में देयर शुड नॉट बी डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, और ये अप टिल एंड जो है बेटा यहां तक एब्जॉर्प्शन होती रहती है न्यूट्रिएंट्स की। अब हम देखते हैं कि कौन से मटेरियल हैं जो रीअब्सॉर्ब बैक होते हैं फ्रॉम ट्यूबुल्स इनटू द ब्लड कैपिलरीज। अच्छा, इसमें बेटा वाटर रीअब्सॉर्ब होगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होगी उतना वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। अगर हमने एक्स्ट्रा वाटर इनटेक किया है तो जो एक्स्ट्रा होगा दैट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द यूरिन। अच्छा, दिस इज जो रीअब्सॉर्प्शन है ऑफ वाटर दैट इज डन बाय विच प्रोसेस, दिस इज डन बाय ऑस्मोसिस, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगा। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट हमें बताएगा कौन, और हाउ वुड वी कम टू नो कि कितनी हमारी बॉडी को जरूरत है। दिस इज कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन इन द बॉडी विच इज नोन एज द ADH, दिस इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दिस इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज होगा हमारी बॉडी में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वॉटर, और ये एब्जॉर्ब करेगा। इफ देर इज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन तो हाई या मोर अमाउंट ऑफ वॉटर विल बी रीअब्सॉर्ब्ड बैक। आपने याद रखना है, रीअब्सॉर्ब का मतलब है कि इन ट्यूब्स में से ब्लड में वापिस जो है जो रीअब्सॉर्ब हो रही है वो ज्यादा हो रहा है। तो यूरिन में कितना एक्सक्रीट आउट होगा, कम होगा, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी जो है दैट हैज बीन रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद दूसरा आप देखें सॉल्ट जो है अगेन वो भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट रीअब्सॉर्ब होंगे। अगर आपने ज्यादा सॉल्ट लिए हैं इनटू द डाइट, ठीक है, तो यूरिन में देयर आर चांसेस के ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाए। अच्छा, और ये सॉल्ट बेटा करते क्या है, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड, विच इज दे हेल्प इन मेंटेनिंग द pH of blood which is 7.4 that is maintained by the salts. Salts be according to requirement jo hai ye reabsorb ho jayenge, and this is also done through the hormone. We are not going to study that hormone because that is not in the syllabus. अच्छा, इसके अलावा जो next चीज है बेटा nitrogenous waste products, ये आपने याद रखना है, यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन नन इज reabsorbed back. You will see some of the questions. None of the nitrogenous waste product is reabsorbed back into the body. Basically, excretion ho kyu rahi hai? That is because of removing the excess, theek hai, excess water, excess salts, and the waste or nitrogenous products. Nitrogenous products humne 100% remove karne hota hai. ठीक है, नन इज रीअब्सॉर्ब्ड बैक। अच्छा, ग्लूकोज एक ये देखिए, नन इज रीअब्सॉर्ब्ड और ग्लूकोज जो है ऑल इज रीअब्सॉर्ब्ड, ये भी आपने याद रखना है। जो नॉर्मल बेटा किडनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो 100% जो ग्लूकोज होता है उसको रीअब्सॉर्ब करते हैं। अच्छा, अब जो ग्लूकोज की रीअब्सॉर्प्शन है ये रीअब्सॉर्ब होगा, रीअब्सॉर्ब होने के बाद या इसको रीअब्सॉर्ब, अच्छा दिस इज ऑल्सो डन थ्रू द हार्मोन। अच्छा, रीअब्सॉर्ब होने के बाद बेटा ये क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा बाय इंसुलिन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। एक्स्ट्रा हमने रिमूव नहीं करना बॉडी से, एक्स्ट्रा को हम क्या करेंगे, लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाएगा ये हमारी बॉडी में, और वेस्ट प्रोडक्ट्स वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अब आप देखें कि वाटर जो है दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, सॉल्ट आर ऑल्सो रीअब्सॉर्ब्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजनस वेस्ट ऑल आर एक्सक्रीटेड आउट, नन इज रीअब्सॉर्ब्ड, एंड ग्लूकोज जो है बेटा ऑल इज रीअब्सॉर्ब्ड। चार चीजें हैं, ठीक है, इन चार ही चीजों को आपने डिस्कस करना है। ठीक है, बस ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, किडनीज के जो बेटा फंक्शन है यहां से अब मैं आपको बता देती हूँ।
आप देखिए यहां से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव कर रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसको भी रिमूव कर रहा है। तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट या कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इनटू ब्लड, दैट इज नोन एज द ऑस्मो रेगुलेशन। तो दैट इज हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बाय रिमूविंग द एक्स्ट्रा वाटर एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं जो किडनी की बेटा फंक्शन है। एक तो इसका फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, ठीक, यूरिन में क्या होगा, वेस्ट मटेरियल रिमूव आउट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा जिसका फंक्शन है दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन, एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर, वाटर एंड सॉल्ट्स। तो हमने अभी देखा है कि जो एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट होगा दैट विल बी रिमूव्ड आउट, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड इसका फंक्शन है बेटा दैट इज द मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड, ठीक है, दैट इज मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड। एंड वी हैव सीन कि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं दे आर रिमूव्ड, एंड इसके साथ साथ सम ऑफ द आयंस आर आल्सो रिमूव्ड, सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड व्हिच इज द थर्ड फंक्शन। अच्छा, अब यूरिन फॉर्मेशन हम देखते हैं यहां से बेटा क्या होगा, व्हेन दिस ब्लड विल बी पासिंग थ्रू दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, प्रॉक्सिमल देन लूप ऑफ फिनले एंड देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन इट विल एंटर इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। जब यहां से ये फिल्ट्रेट पास हो रहा होगा तो इसमें से ये जो मैंने आपको नीचे मटेरियल्स बताए हैं दे विल बी रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड बाय डिफरेंट हॉर्मोन्स। अच्छा, जो बेटा फिल्ट्रेट नीचे आया था उसमें से 99% इज रीअब्सॉर्ब्ड बैक आया, किसकी वजह से था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, हाई प्रेशर की वजह से दैट वाज फोर्स्ड आउट, बट उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी थी जैसे ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, राइट। सो देन अगेन इट इज रीअब्सॉर्ब्ड बैक, 99% जो है बेटा फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब होता है और 99 में से ऑल ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड। अच्छा, जब हम इसको लिख रहे होंगे तो हम इसमें बेटा प्रोसेस भी मेंशन करेंगे कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड बैक बाय विच प्रोसेस, दिस इज रीअब्सॉर्ब्ड बैक बाय डिफ्यूजन, तो वी विल मेंशन डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के हमें मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह जो वाटर है, वाटर इज ऑल्सो रीअब्सॉर्ब्ड, और वाटर रीअब्सॉर्ब होगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, राइट, एंड दिस इज रीअब्सॉर्ब्ड बैक बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसी तरह जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स आर ऑल्सो बेटा रीअब्सॉर्ब्ड बैक एंड दे आर अगेन रीअब्सॉर्ब्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो हमने डिफ्यूजन लाजमी मेंशन करना है बाय द प्रोसेस, ठीक है, बाय प्रोसेस थ्रू विच दे आर बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, वो हमने लाजमी मेंशन करना है। और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, नन इज रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक है, तो इसमें भी हम, इसमें कोई प्रोसेस हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बेटा जो मटेरियल होगा दैट विल पास टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये रीअब्सॉर्प्शन जो है अप टिल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक होती रहेगी, स्लोली दिस फिल्ट्रेट विल बी पासिंग टू दिस ट्यूब्स, फर्स्ट प्रॉक्सिमल देन लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद ये कहां जाएगा, यहां से बेटा इट विल मूव इनटू द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस पार्ट, राइट, एंड देन इट विल मूव इनटू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में भी टू सम पार्ट जो है, या हाफ आप इसका कह दें, इट इज लाइंड बाय द ब्लड कैपिलरीज, तो जो कुछ रीअब्सॉर्प्शन होती है दैट आल्सो टेक्स इन द कलेक्टिंग डक्ट, राइट। अच्छा, इसके बाद यहां से बेटा इस ट्यूब में जो मटेरियल आ रहा है उसमें क्या होता है, इट हैज द एक्सेस वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर था, नॉट एक्सेस, राइट, जो एक्स्ट्रा वाटर था, इट हैज एक्स्ट्रा वाटर, राइट, इट हैज एक्स्ट्रा सॉल्ट्स के साथ इट हैज ऑल नाइट्रोजीनियस, ठीक है, एंड मीन्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड इट हैज नो ग्लूकोज। अच्छा, ये जो बेटा मटेरियल है दिस एक्चुअली फॉर्म्स द यूरिन, दिस फॉर्म्स द यूरिन, दिस यूरिन विल नाउ पास इनटू the next part from this collecting duct, that part is known as the renal pelvis, ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया इसका स्ट्रक्चर। अब यहां से ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है विच इज नोन एज द यूरिन, ये बेटा कहां पास होगा, इनटू द रेनल पेल्विस। अच्छा, पेल्विस से ये कहां जाएगा, इट विल टू द यस, ठीक है, रेनल, कहां से, इट विल मूव यूरेटर, यूरेटर विल कैरी इट
bladder and will excrete out the extra material through this urethra. यहाँ से बेटा वो बाहर हो जाएगा. ठीक है. There are two situation हम discuss. One is the concentration of in summer. ठीक है, summer देखते हैं. And other is concentration of urine winter. बताएं कि बेटा यूरिन जो है वो में ज्यादा आता है या विंटर में ज्यादा. ठीक है, आज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आपको क्विकली बता देते. अच्छा, विंटर में देयर इज ओनली वन मेथड ऑफ क्रीटिंग आउट द वाटर फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, विच इज द यूरिन के थ्रू जो हमारी बॉडी एक्सेस वाटर होता है इज एक्सक्रीटेड आउट, नॉट एनी अदर. इसके थ्रू एक्सेस वो है वो रिमूव हो तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमें अदर यूरिन आता है एंड ज्यादा की वजह से देयर ऑल वाटर इज क्रीटेड आउट फ्रॉम, सो दैट इज डाइल्यूट यूरिन. ठीक है, उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है और उसमें जो है सोल्यूट की कम होती है विच मेक्स डाइल्यूट. दैट यूरिन इज नोन एज द हाइपोटोनिक यूरिन, दैट इज हाइपोटोनिक. अच्छा, समर में आप देखिए बेटा में हमें स्वेटिंग भी हो, सो एक्सेस वाटर समर ऑल्सो लॉस्ट स्वेटिंग. उसके अलावा जो रिमूव वाटर होता है दैट रिमूव्ड फ्रॉम द, ठीक है, तो जो है हमारे पास वाटर इज लॉस्ट थ्रू द स्वेटिंग. तो यूरिन है कम वाटर एक्सआउट होता है, सो इस केस में जो यूरिन हो दैट इज कंसेंट्रेट. और इसका कलर भी आ, तो दिस इज डार्क, यस कंसेंट्रेशन मोर न्यूट्रिएंट्स मोर, इसमें सॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से भी डार्क होता है. दिस टाइप ऑफ यूरिन इज नोन एज द हाइपरटोनिक यूरिन. एंड हाइपरटोनिक इज प्रोड्यूस्ड इन समर, और जो हाइपो होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड इनटू द विंटर. अच्छा,